आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं उत्तराखंड खबरों की तरफ। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है और उसके क्या क्या प्रोजेक्ट है इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाथी भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में घुस आते हैं। हमने इनके लीडर को कॉलर रेडियो लगाकर जिसके कारण इनकी मूवमेंट का पता चल सकता है और हम आने वाले समय में 5-6 हाथियों को रेडियो कॉलर करेंगे, जिससे कि पता लग सके कि हाथियों का मूवमेंट किस जगह से और जब ये आबादी वाले क्षेत्र में आए तो हम इनको दूर कर सके। ये हमारी शॉर्ट तकनीक है और हम लॉक टेक्निक पर जाएंगे। तो हम गांव वालों के साथ वर्कशॉप करेंगे, जिसमें वो उनकी फसलों के बारे में जानकारी देंगे। उनसे कहेंगे कि आप दूसरी तरह की फसलें उगाएं, जिससे कि हाथियों का मूवमेंट आपके खेतों की तरफ ना हो सके। और साथ ही हरिद्वार की भोगपुर में रेप्टाइल और क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार के बुग्गा वाला क्षेत्र में लेपर्ड पार्क बनाने की योजना भी चल रही है। तो वन विभाग ने जानकारी दी है कि किस तरह से आने वाले समय में काम करेंगे। लेपर्ड सफारी पार्क भी बनाया जाएगा, साथ ही हाथियों के मूवमेंट पर भी नजर रखा जा रहा है और गांव के लोगों से भी फसलों के बदलाव पे ध्यान देने की बात कही जाएगी, ताकि जो हाथियों का हमला है वो जो है गांव की तरफ ना हो, वो खाने की तलाश में गांव की तरफ ना आए। और हरिद्वार की भोगपुर में रेप्टाइल और क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाएगा, इसकी जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में लेपर्ड पार्क बनाने की योजना चल रही है। लालकुआ में राज्य सरकार के शासनकाल को 5 साल पूरे होने पर विधानसभा के हल्दू चौड़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की ओर से किए गए कार्यों का जानकारी जनता को दी गई और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली LED के माध्यम से संबोधित किया, जिसमें सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार का नारा दिया गया। तो सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते ये कार्यक्रम किया गया है। लाल कुएं में ये कार्यक्रम किया गया है और साथ ही 5 साल पूरे होने पे ऊपर नया नारा भी दिया गया है। राज्य सरकार के शासनकाल को 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें विधानसभा के हल्दू चौड़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की ओर से किए गए कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली LED के माध्यम से संबोधित किया और सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार का नारा दिया गया है। भाई सरकार का जो है 2013 से लंबित गोलापार सूखी नदी के पार नकेल का पुल है, जिसका 7,17,00,000 रुपया कल सरकार ने जियो करके वहां के लोगों को सरकार का तोहफा दिया है। यहीं से शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम है सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार, हम अपने 5 साल के किए हुए कामों को, 5 साल के जनता को दिए हुए लाभों को जनता के सामने एक बार रिहर्सल कर रहे हैं, कुरेद रहे हैं। यहाँ पर एक शासकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो सीधे सभी 70 विधानसभाओं में सजीव प्रसारण उनका संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जितने भी स्वयंसेवी सहायता समूह हैं, जितने लाभार्थी हैं, उन लोगों को भी यहाँ बुलाकर संबोधन का काम किया जाएगा और उनको प्रोत्साहन का भी कार्य किया जाएगा। विधानसभा पिरान कलियर में ग्राम इमलीखेड़ा में बहुजन समाज पार्टी के हुए कार्यक्रम में पैसों का मामला सामने आया है, जिसमें दिहाड़ी ना मिलने को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन जिसने दिहाड़ी लेने की बात कही, उसने कहा कि मुझसे गलती से कहा गया था कि मैं दिहाड़ी पर आया हूँ और बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे वो सब बिना पैसे के गए थे। हमारा किसी के पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं है
और हम सब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और हम विधानसभा पिरान कलियर से सुरेंद्र सैनी को जिताने का काम करेंगे। दिहाड़ी ना मिलने का वीडियो वायरल हुआ था जिसके ऊपर अब ये सफाई सामने आई है। बसपा के कार्यक्रम में पैसा देने का मामला सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि पैसा देकर लोगों की भीड़ बुलाई गई है और जिसके बाद विधानसभा पिरान कलियर के ग्राम इमली खेड़ा से बहुजन समाज पार्टी में हुए कार्यक्रम के बारे में ये जब खबर सामने आई तो उसके बाद काफी बवाल भी मचा और दिहाड़ी ना मिलने को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। लेकिन जिसने दिहाड़ी लेने की बात कही उसने कहा कि मुझसे गलती से कहा गया था कि मैं दिहाड़ी पर आई हूं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे वो सब बिना पैसे गए थे। तो इस बात का खुलासा उस इंसान ने किया है जिसका वीडियो पहले वायरल हो रहा था। तो उसने कहा है कि ये गलती से कहा गया था और जो मैं और मेरे साथ जितने भी लोग थे सब बिना पैसे के आए हैं, कोई भी पैसे का ताल्लुक नहीं है और सब बिना पैसे के ही आए हैं और BSP के समर्थक हैं। सितारगंज में ग्राम सभा पंडरी की सैकड़ों महिलाएं उपजिला अधिकारी सितारगंज कार्यालय पहुंची जिससे सैकड़ों महिलाओं ने उपजिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर पीले राशन कार्ड को बदलकर सफेद राशन कार्ड की मांग की है। वहीं सितारगंज ग्राम सभा पंडर में गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड APL से BPL और अंत्योदय किए जाने की मांग की गई है। कई जगह पर गरीब बस्तियों में रास्तों की समस्या है और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वहीं रोड और नालियों की समस्या का समाधान कराने की मांग भी की गई है। तो सितारगंज से ये खबर सामने आई है जहां सैकड़ों महिलाएं कार्यालय पहुंची अपने कार्ड की बदलाव के लिए। कार्ड को बदलने के लिए उन लोगों ने लगातार मांग की और मांग करने के साथ लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। सितारगंज से खबर सामने आ रही है जहां सभा पंडरी की सैकड़ों महिलाएं उपजिलाधिकारी सितारगंज कार्यालय पहुंची। सैकड़ों महिलाओं ने उपजिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर पीले राशन कार्ड को बदलकर सफेद राशन कार्ड की मांग की है और सितारगंज ग्राम सभा में गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड APL से BPL और अंत्योदय योजना दिए जाने की मांग की है। जनता है और इनके पास में सभी गरीब हैं, इनके पास में पीले राशन कार्ड दे रखे हैं। ये देखना है इनकी इंक्वायरी बैठा ली जाए और पीले राशन कार्ड हटा के इन लोगों को सफेद कार्ड बनाया जाए। इन लोगों को बताओ 15 रुपए और 17 रुपए किलो अनाज मिल रहा है, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? पूरे दिन की मेहनत करके बंदा अगर शाम को कमा के ला रहा तो उसकी कमाई तो 5 किलो गेहूं में ही खत्म हो जाती है। सरकार ने पैसे वालों को तो दे रखे हैं BPL कार्ड और गरीबों को दे रखे हैं APL कार्ड, तो ये तो कहीं की तरीका नहीं है भाई। कहते हैं अभी तुम्हारे नाम का राशन नहीं आया तुम्हारे कार्ड का, और हम जब बजाते हैं कोटे वाले कने तो कहता प्रधान कने जाओ कार्ड के नाम से 15 रुपए किलो राशन मिल रहा। ये बताओ 100 रुपए की मजदूरी होती है, घर में भुआ लेने जाए या ये खाना खाए, ये बताओ कहाँ तक जाए गरीब आदमी, कहाँ तक करेगा हमारे लिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।